Hey guys, how are we doing today? कैसे हो? रोम गुरुजी में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिक्सेस। काफी लोगों ने मेरा डाउनग्रेडिंग वाला वीडियो देख के ये बोला कि हमें डाउनग्रेड करना जरूरी, है।, कोई जरूरी तो नहीं है।, वो आपको अगर है तो आप कर सकते हैं पर बिफोर आई टेल यू ऑल द फिक्सेस इफ इंग्लिश क्लिक ऑन वॉच द वीडियो इन इंग्लिश टू सो शुरू करते हैं सबसे पहले बताऊंगा कि जो फिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम बग फिक्सेस अवेलेबल है कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है जिससे आप फिक्स कर सकते हो और ये जो जितने सोल्यूशन हैं ये सारे कम्युनिटी से लिए हुए हैं तो याद रखना ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होंगे ये यूज़र्स एक दूसरे की मदद करते हैं इसलिए अवेलेबल होते हैं ठीक है तो ये ज़रूर माइंड पे रखना और शुरू करते हैं सबसे पहले गेमिंग पे आते हैं मैंने काफ़ी लोगों के देखा मुझे पबजी में पिंग नहीं आ रही मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी में पिंग नहीं आ रही जिसमें भी पिंग नहीं आ रही देखो पबजी का तो मैं बोलूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पबजी इंडिया में अलाउड नहीं है तो आप जो खेल रहे हो आप फॉरेन सर्वर्स पे खेल रहे हो और अगर आप फॉरेन सर्वर्स पे खेल रहे हो तो पिंग आपकी ज्यादा आएगी बिकॉज डेटा जाने में और आने में उतना टाइम लगता है जिसको लेटेंसी बोलते हैं तो अगर आपके क्लोज कंट्री के पास सर्वर्स हैं तो ऑब्वियसली आपको पिंग कम आएगी तो ये फोन का इशू नहीं है ये आपके ऐप आप का इशू है क्योंकि वो ऐप इंडिया में अलाउड नहीं है आप फॉरन सर्वर्स यूज़ कर रहे हो अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी में ये प्रॉब्लम आती है तो देखिए कि आपके बैकग्राउंड में कोई डाउनलोड्स चल तो नहीं रहे अगर बैकग्राउंड में डाउनलोड्स चल रहे हैं तो उन्हें बंद कीजिए अगर कोई ऐप्स चल रहे हैं बैकग्राउंड में तो उन सबको खुद रिसेंट आप मेन्यू में जाके क्लोज कीजिए ताकि आपकी पिंग इंप्रूव हो पाए बिकॉज आपके फ़ोन के सारे ऐप्स वो डेटा धीरे धीरे यूज कर रहे हैं मेक श्योर कीजिए कि आपने मॉन्स्टर मोड ऑन किया मॉन्स्टर मोड ऑन करने के बाद आपके फोन का परफॉर्मेंस और नेटवर्क यूसेज बेटर हो जाता है ठीक है क्योंकि प्रायोरिटी आपके गेम्स को मिलती है नेटवर्क वाइज अगर ये सब करने से भी आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है मतलब आपकी इशू फोन के साथ नहीं है आपकी इशू या तो ऐप के साथ है या तो आपके इंटरनेट राउटर के साथ है तो उन दोनों को चेक कीजिए अभी गेमिंग को साइड में रखते हुए आगे आते हैं अगर आपके बैटरी में इशू आ रहा है अगर आपकी बैटरी में इशू आ रहा है तो एक सिंपल चीज कीजिए अपने फोन को जीरो टू हंड्रेड दो बार चार्ज कीजिए इसे कहते हैं चार्ज साइक्लिंग चार्ज साइकिलिंग से क्या होता है आपको जो सेंसर होता है वो ठीक से कैलिब्रेट होता है आपको जो सारा डेटा आ रहा है आपकी बैटरी के बारे में वो सारा एक सेंसर से आ रहा है और हर अपडेट के बाद वो सेंसर थोड़ा अनकैलिब्रेटेड सा हो जाता है तो उसको कैलिब्रेट करने के लिए दो फुल चार्ज साइकिल्स करेंगे तो एकदम 100% परसेंट कैलिब्रेट हो जाएगा ताकि आपकी बैटरी बेटर परफॉर्म करने लग जाएगी ये करने के बाद आगे चलते हैं अगर आपका चार्जिंग स्लो है तो चार्जिंग स्लो होने के काफी रीजन हो सकते हैं एक तो आपका वोल्टेज लो है अगर आपका वोल्टेज लो है तो आपका चार्जिंग स्लो होगा दूसरा आपका फोन काफी ओवर हो गया अगर फोन चार्ज ठीक से करना है बिना हीट करने तो उसे एक ओपन एयर जगह पे रखिए एक जगह पे रखिए जहां पे उसके ऊपर कोई चीज नहीं रखी हुई उसके साइड में चीज नहीं रखी हुई इससे फोन काफी बार गर्म होते हैं या आप एक मोबाइल स्टैंड यूज कर सकते हैं मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है लिंक आई बटन पर डाल दूंगा आप चेकआउट कर सकते हैं ये चीज चेक करने के बाद अगर आपकी चार्जिंग तब भी स्लो है तो आपका वायर और अडाप्टर दूसरे फोन के साथ टेस्ट करके देखिए मे भी हो सकता है आपके एडाप्टर या वायर में प्रॉब्लम हो सकती है नहीं तो चार्जिंग काफ़ी फास्ट है इस फोन की आपको इशू नहीं आने चाहिए चार्ज करते वक्त प्लीज़ फोन यूज नहीं कीजिए अगर आप फोन यूज कर रहे हैं चार्ज करते वक्त तो फोन गर्म होगा उसकी वजह से आपका फोन धीरे चार्ज होना शुरू हो जाएगा ये एक सेफ फीचर है और ये हर फोन में होता है सिर्फ आईकू में नहीं होता इसके बाद आते हैं अगर आपको अगर आपको फोन में स्टटर्स या कोई ऐसे इशू आ रहे हैं जहां पे फोन लैगी फील हो रहा है तो उसका सिंपल फिक्स है आई मैनेजर में जाके अपना कैश क्लियर कीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम कैश की वजह से इशू आता है अगर वो नहीं है तो आप किसी भी तरह का रीसेट ट्राई कर सकते हैं बट सेटिंग के अलावा सारे रीसेट में कोई ना कोई डेटा जाने की गुंजाइश है अगर आपका फोन नॉन यूसेबल सा हो गया मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उस केस में एक सिंपल फिक्स ये है कि आप एंड्रॉय 11 से एंड्रॉयड 10 पे डाउनग्रेड कीजिए उसमें आपका सारा डेटा चला जाएगा तो प्लीज सब बैकअप कीजिए एक बार डाउनग्रेड तो फाइनली अपने फोन को सेटअप कीजिए आपको एक क्लीन गुड रनिंग फोन मिलेगा अगर आपको कैमरा इश्यूज आ रहे हैं तो जी कैम ट्राई कीजिए बट जी कैम अभी उतना स्टेबल नहीं है यह मेरे को आपको बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था

so let's get started with it first let's talk about gaming if you're facing issues with your ping it is not the issue of your phone but rather the internet connection or the game that you're using if you're playing pubg pubg is not available in india it's not even allowed in india so if you're paying, playing pubg then you're using a foreign server sometimes you may not get connected to a server that's close to you in that case the ping will obviously be high in nonetheless if you're playing something like call of duty where the pings are usually supposed to be Lower and nice. What you can do is you can clear all the apps in the background. Sometimes they suck a lot of data even in the background, and that might cause your ping to be low. If it still does not help you, try clearing the cache or restarting the phone. If that still doesn't help you, you need to check your router and your internet speeds. It might not be your phone's fault. Once we are done with gaming, let's talk about the battery. If your battery is giving you a lot of problems, it's not giving you enough juice. All you need to do is charge the phone 0 to 100 twice. This is called charge cycling. The charge cycling will make sure that your sensor is get, getting the correct data, right? And that is very important because all the data you're getting is from your sensor. Sometimes your sensor might say that you have 20% battery where you just have 15% left, right? So you need to make sure that the sensor is accurate and this will do it, right? Now we'll come to stutters and animation issues if you are having problems with stutters and animation you can simply try clearing the cache most of the time is the cache that is the problem but if that does not work for you you can try any of the three resets available in the phone the setting resets will not render any of your data deleted but all the other two that is factory reset and fully formatting will delete your data some or the other right and the f full format will delete your internal storage too so make sure before doing any Type of reset you have a backup of your data. Now that we have that out of the way, let's talk about if your phone is basically non functioning, it is having 100 troubles. If that is the case, then I would suggest you to downgrade your phone to Android 10. You will lose all the data on your internal storage, so make sure you back it up. Once you have done that and you have fully formatted your phone, you're on Android 10, upgrade to Android 11 without installing any apps, any data, nothing. After you're on Android 11, just format the phone again and you'll have a clean, well working phone. The reason behind this is a lot of times in the updates, the OBB data gets corrupted. Now, this data corruption might cause your phone to not work properly. Hence, a good old formatting after an update is always appreciated. Your phone will work better. So that's all for this video, guys. If you did like the video, please like, share, and subscribe. It would really help me to make more of these videos for you. And if you would like a video more in depth about any of these topics, do let me know. I will make one. That's all for this video, guys. Thank you. Have a nice day.